साड़ी तो मैं बंद करके गया था, फिर ये कमाल है, चालू भी हो गई और बंद भी हो गई। शायद हो सकता है कि मेरे दिमाग का वहम हो। कितना हुआ भैया? 120 रुपये। ये लीजिए। टैक्सी? अब खाली है? हाँ मैम, सब कहाँ जाना है? मॉडल सिटी। बैठिए। नहीं दादी जी, मैं उठाती हूँ। आइए दादी, चलिए दादी जी। ये लिफ्ट को क्या हो गया? लगता है लिफ्ट खराब है। दादाजी, दादी, हमें सीढ़ियां चढ़कर जाना होगा। लिफ्ट तो शायद खराब है। सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी।
हाय, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? ओह, थैंक यू सो मच। तुम ये पकड़ लोगी प्लीज? या श्योर। आराम से। पता नहीं लिफ्ट को क्या हो गया, अचानक खराब हो गई। पर मेरी किस्मत जैसी खराब नहीं। क्या? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, आप लोग कौन से फ्लैट में रहने आए हो? 403। 403? वाओ, मैं 405 में रहती हूँ। ओह ग्रेट, फिर तो हम पड़ोसी हुए। पर 403 में कुछ ही दिन पहले मोहित रहने आए हैं, वो मेरे पति हैं। ओह, दादी, हमें यहीं जाना है। ये मेरा घर है, अगर आप लोगों को किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक मांग लीजिएगा। मैं ज्यादातर घर पे नहीं रहती हूँ, पर मॉम होंगी घर पे, और तुम्हें तो पता है ना मॉम्स कैसी होती है। मुझे कैसे पता होगा, मैंने तो अपने मॉम डैड को बचपन में ही खो दिया। लेकिन बचपन से लेकर आज तक मेरे दादा दादी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, बहुत प्यार करती हूँ मैं इनसे। नमस्ते। अरे, मैं तो तुम्हारा नाम पूछना भूल ही गई। आयना। और तुम्हारा? यामिनी। मैं चलती हूँ, मेरे घर पे ना कुछ दोस्त आने वाले खाने पे, तो यू टेक केयर। या, बाय एंड थैंक्स। यू वेलकम। आइए दादाजी। हर्ष, आओ अंदर आ जा। राघव नहीं आया? राघव, वो कह रहा था कि उसे जरूरी काम आ गया है, वो बाद में आएगा। अच्छा, तो राघव ये चाहता है कि हम दोनों कुछ वक्त साथ बिताए। हर्ष, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वो तुम्हारे माथे पे वो लगा हुआ है, आटा। आटा साफ हो गया? नहीं, और खराब हो गया। यहां से हटाओ। तो फिर तुम ही साफ कर दो। हो गया। थैंक यू। आओ बैठो। घर पर अंकल आंटी नहीं है? वो एक्चुअली वो दोनों नासिक गए किसी रिलेटिव की शादी में। यस। एक बात तो बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्यों, मैं क्या करूं? जाके उसकी मदद कर, शादी के बाद तो तुझे ही खाना बनाना पड़ेगा ना। वाह आंटी वाह, क्या खुशबू है यार। हर्ष देखो ना, बार बार मुझे आंटी कहकर चिढ़ाता है। तो फिर तुम भी इसे अंकल बुलाकर चिढ़ाओ। आई डोंट माइंड, लेकिन मैं तो इसको आंटी बुलाऊंगा। आंटी? तो फिर ठीक है, आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। आंटी आंटी कहकर अपना पेट भरो। ए, यामिनी, प्लीज यार, ऐसा जुल्म मत कर, मुझे ना बहुत भूख लगी। पेट में चूहे कबड्डी कर रहे हैं यार। वेरी गुड, छोड़ो, ये खाना तुम्हारे लिए नहीं, मेरे नई पड़ोसी के लिए। तो बाय अंकल। हाय। अरे तुम तो डर गई। सॉरी, सुबह मैंने तुमसे बात नहीं की। तुम 403 में आई हो ना? हाँ।
मैं भी उसी बिल्डिंग में रहती हूँ। लेकिन 403 में तो एक आदमी रहता है ना? वो मेरे पति हैं, मोहित। तुम शादीशुदा हो? क्या हुआ? कुछ नहीं। तो तुम क्या काम करती हो? मोहित और दादा दादी की देखभाल। तुम हाउसवाइफ हो और तुम्हारे पति मोहित, वो क्या करते हैं? मोहित मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है। कुछ टाइम पहले ही उनका मुंबई ट्रांसफर हुआ, वो पहले यहाँ आ गए और मैं आ जाए दादा दादी के साथ। क्या हुआ? कोई हमारा पीछा कर रहा है। पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। देखो, अरे इतनी सारी सब्जियां, क्या हुआ? कोई ना कोई जरूर हमारा पीछा कर रहा है। देखो यहाँ कोई भी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। नहीं, कोई तो जरूर है जो हमारा पीछा कर रहा है। कोई कोई है, कोई जरूर है। अरे सुनो, रुको, सुनो तो। कमाल है, अजीब पागल लड़की है। ये क्या? अब तो मुझे भी आवाजें सुनाई दे रही हैं। कोई मेरा पीछा कर रहा है, जरूर कोई मेरा पीछा भी कर रहा है। क्या पता है किसकी मौत हुई? हमारी सोसाइटी में एक लड़की रहती थी, विशाखा, उसकी। और वो लड़की देख रहे हो, उसका नाम आईना है। वो विशाखा के साथ ही थी मौत के कुछ ही देर पहले। और वो लड़की कौन है जो आईना से बात कर रही है? वो
उसका नाम पारू है, वो विशाखा की बहुत अच्छी दोस्त थी। ये हमें इस तरह देखकर चली क्यों? पहले साइना से बात करके देखते हैं। अरे ये लिफ्ट कैसे बंद हो गई? लिफ्ट को क्या हो गया? प्लीज हेल्प, प्लीज मैं लिफ्ट में फंस गई हूँ। कल शाम को जब मैं सब्जी खरीद कर आ रही थी तो विशाखा मेरे साथ बातें करने लगी और तभी मुझे लगा जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन विशाखा को मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। काश उसने मेरी बात पर विश्वास कर लिया होता तो आज वो जिंदा होती। लेकिन आयना, तुम्हें कैसे पता चला कि कोई तुम दोनों का पीछा कर रहा था? क्या तुमने कोई परछाई देखी थी या फिर किसी के कदमों की आहट सुनी थी? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा ना कुछ सुना, सिर्फ एहसास किया। एहसास? कैसा एहसास? किसी की मौजूदगी का एहसास। क्या तुम लोगों को कभी नहीं लगा किसी के ना होते हुए भी किसी के होने का एहसास? तुम ठीक कह रही हो, अक्सर ऐसा होता है। शाखा को जिन लोगों ने मरते हुए देखा वो भी कह रहे थे कि वो किसी की तरफ इशारा कर रही थी, पर वहां कोई नहीं था। और पारू, वो तुमसे क्या कह रही थी? पारू एक इकलौती ऐसी इंसान है जो मेरी बात पर विश्वास करती है, और उसने तो मुझसे ये भी पूछा कि मैंने उसे देखा या नहीं, उसने मुझसे कुछ कहा या नहीं। इसका मतलब पारू को लगता है कि विशाखा को किसी आत्मा ने मारा है। शायद पारू को मालूम होगा कि वो आत्मा है किसकी। आत्मा? ये आप क्या कह रहे हैं? तो फिर तुम आईना से क्यों पूछ रही थी किसी आदमी की आत्मा के बारे में? किस आदमी की आत्मा के बारे में पूछ रही थी तुम? विक्की। विक्की? कौन विक्की? विक्की मेरा और विशाखा का बहुत अच्छा दोस्त था, यही पास में रहता था। मौत कैसे हुई उसकी? वो खुद अपनी कार से कुचला गया था। खुद की कार के नीचे? ये कैसे हो सकता है? ये बात तो आज तक किसी को समझ में नहीं आई। कार अंदर से बंद थी, शायद उसे भी किसी की आत्मा ने मारा हो। अगर वो तुम्हारा और विशाखा का दोस्त था तो फिर उसकी आत्मा विशाखा को क्यों मारेगी? क्योंकि विशाखा ने उसे प्यार में धोखा दिया था, शायद इसलिए। पारू बेटा जरा अंदर आना। आई माँ। बस इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं जानती। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कह रही है कि विशाखा को विकी की आत्मा ने मारा है, तो फिर विकी को किसने मारा? क्या वो भी एक आत्मा थी? कहीं ऐसा तो नहीं यार कि विकी को विशाखा ने मारा और विशाखा को विकी की आत्मा ने उसका बदला लेने के लिए? अरे यार मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा। चलो अभी के लिए यहां से चलते हैं। चलो हेलो, मुझे नीचे कंपाउंड में आके मिलो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है।
ये लिफ्ट कैसे बंद हो गई? लिफ्ट को क्या हो गया? प्लीज हेल्प, प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज मैं लिफ्ट में फंस गई हूँ, प्लीज प्लीज दरवाजा खोलो। से दरवाजा बंद हो गया। मैं तो ऐसे ही डर गई। पता नहीं मोहित कहां चले गए, फोन भी बंद आ रहा है। ये मेरा घर है, अगर आप लोगों को किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक मांग लीजिएगा। कोई ना कोई जरूर हमारा पीछा कर रहा है। देखो यहाँ कोई भी नहीं है। कोई जरूर। अरे सुनो,
चारू एक इकलौती ऐसी इंसान है जो मेरी बात पर विश्वास करती है। पारू को लगता है कि विशाखा को किसी आत्मा ने मारा है। शायद पारू को मालूम होगा कि वो आत्मा है किसकी। आईना, आईना। कहाँ है? अरे कहाँ है बेटा? आईना, 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 आईना क्या हुआ? आईना। आईना, आईना। क्या हुआ दादी? आईना का पता नहीं, पता। आईना क्या हुआ? चिल्ला रही है, दरवाजा नहीं खोल रही है। आईना दरवाजा खोलो। आईना, आईना। कौन मारेगा तुम्हें बेटी? वो मुझे मार डालेगा। अरे यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं मारेगा तुम्हें। नहीं, कोई नहीं मारेगा। वो यही है, वो मुझे मार देगा। कितना खून निकल रहा था उसका, और वो मुझे भी मारना चाहता है। वो मुझे मार देगा, मार डालेगा मुझे। दवाई लेना। बैठो। तबीयत कैसी आईना की? उसको लगता है कल रात उसने सपना देखा था। सपना? हाँ, वो जो कुछ भी हुआ ना, उसको वो एक सपना समझ रही है। मुझे कह रही थी कि एक आत्मा आई थी उसके सपने में उसको मारने के लिए। आत्मा? फोन ऑफ क्यों आ रहा है मोहित का? दादी, एक मैसेज, एक कॉल तो कर सकते थे। कितनी चिंता हो रही है मुझे उनकी। बेचारा मीटिंग में फंस गया होगा। मीटिंग खत्म करके तो वो कल ही वापस आने वाले थे। वो ऑफिस में जाके उसके पता करो ना, शायद उनको कुछ खबर हो। आप ठीक कह रही हैं दादी, उनके ऑफिस जाती हूं। लेकिन सुनो बेटा, इतने बड़े शहर में तुम ऑफिस का पता कैसे करोगी? पता लगा लूंगी दादाजी, किसी की मदद ले लूंगी। एक बात तो तय, ये खून कोई आदमी नहीं बल्कि एक आत्मा कर रही है। किसकी आत्मा हो सकती है? विकी की? पर अगर विकी एक आत्मा है तो विकी का खून किसने किया? पारू कह रही थी कि शायद विकी का खून भी किसी आत्मा ने ही किया। इसका मतलब ये खून विकी ने नहीं किया, ये खून जरूर उस आदमी की आत्मा ने किया है जिसने विकी को भी मारा होगा। क्योंकि विकी, विशाखा और पारू ये सब दोस्त है, और वो इन दोस्तों को ही अपना शिकार बना रहा है। अगर ऐसी बात होती तो उसने आईना को मारने की कोशिश क्यों की? आईना तो इस बिल्डिंग में नहीं आई है, वो तो इन लोगों को अच्छी तरह जानती तक नहीं। लेकिन हर्ष, उसने आईना को मारा तो नहीं ना? पर वो आत्मा आईना के कमरे में आई क्यों? क्योंकि विशाखा ने उससे बात करने की, उससे दोस्ती करने की कोशिश की थी। हो सकता है इसीलिए। नहीं राघव, मुझे लगता है कि ये आत्मा बिना वजह लोगों को मारने की कोशिश कर रही है। फिक्र की बात तो यह है कि यामिनी भी इस बिल्डिंग में रहती है। अगर कल को उस आत्मा ने यामिनी को मारने की कोशिश की तो विकी, विशाखा और पारो, ये तीनों तो मारे गए। यामिनी, क्या तुम किसी ऐसे इंसान को जानती हो जो इन तीनों के करीब था? हो सकता है शायद अगला नंबर उसी का हो। नहीं, मेरी इन लोगों से ज्यादा बातचीत ही नहीं होती थी। पर हाँ, शायद इस बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड को कुछ मालूम हो। यामिनी, यामिनी। आईना, तुम ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ, पर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ बोलो। वो मोहित अभी तक घर नहीं लौटे, और
पता नहीं क्यों उनका फोन भी नहीं लग रहा है। तुम मेरे साथ उनके ऑफिस चल सकती हो उनका पता लगाने के लिए? हाँ बिल्कुल चल, तब तक तुम दोनों सिक्योरिटी गार्ड से बात कर लो, ठीक है? चलो आओ। रिक्शा दादा सिटी स्क्वायर। अरे बस जी कहिए। वो हम यामिनी के दोस्त हैं। मैं जानता हूं। आप जानते हैं? पता नहीं यार किसकी नजर लग रही है बिल्डिंग को, एक के बाद एक मौत हो रही है। आप सही कह रहे हैं और सब बेचारे बच्चे ही मारे जा रहे हैं। ये तीनों दोस्त हैं ना, विकी, विशाखा और पारू। बहुत अच्छे दोस्त थे, साथ में घूमने फिरने जाया करते थे। क्या इन तीनों के कोई और दोस्त थे जिनके साथ घूमते फिरते थे? दो तीन दोस्त और थे, एक तो वो विशाल है और कौन? रोमिल और एक मौली। ये तीन ही थे या कोई और भी था? नहीं बस यही तीन। क्या आप हमें बता सकते कि ये तीन हमें कहाँ मिलेंगे? रोमिल तो अभी शहर से बाहर है। हाँ लेकिन आप लोग विशाल और मौली से मिल सकते हैं। क्या तुम इन दोनों के फ्लैट नंबर हमें दे सकते हैं? बिल्कुल क्यों नहीं, एक मिनट। हाँ जानकी, अरे अरे मुझे दवाई लेनी है, पानी चाहिए मुझे। जानकी पता नहीं कहाँ है, कुछ दिखाई भी नहीं देता इस काले चश्मे में। जानकी, अरे तुम, अरे जवाब क्यों नहीं दे रही? मुझे पानी चाहिए, ये दवाई दवाई के लिए। तुम जवाब, जानकी को कुछ किया तो नहीं तुमने? जानकी, 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 क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ आपको? ये मोहित साहब का केबिन है, आप लोग बैठिए, साहब आते ही होंगे। मोहित का ऑफिस बड़ा अच्छा है नी? अरे वाह, मोहित ने तुम्हारी फोटो लगा रखी, बहुत प्यार करता है तुमसे। मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया होगा? अरे आईना तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, उन्हें कुछ नहीं होगा। मैं दादी को फोन लगाती हूँ, कहीं वो घर तो नहीं चले गए? दादी फोन क्यों नहीं उठा रही है? हेलो, मेरा नाम राज है, आई एम मोहित्स बॉस। हेलो सर, वो मोहित कल ऑफिस की मीटिंग्स खत्म करके वापस आने वाले थे ना? ऑफिशियल ट्रिप? कौन सी ऑफिशियल ट्रिप? दार्जिलिंग गए थे ना ऑफिस के काम से। ओ वो, पर वो ट्रिप तो कैंसिल हो गई थी। व्हाट,
ये क्या कह रहे हैं आप? या तो फिर मोहित गए कहाँ? वो तो आपको पता होगा, उसने छुट्टी ले ली थी ऑफिस से, कहा था कि आप मुंबई आने वाली हैं, इसलिए उसे एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए थे घर सेटल करने के लिए। हे भगवान, कहाँ चले गए मोहित? सर, मिस्टर राकेश कुमार आए हैं गोल्डन कंपनी की डील फाइनल करने। उन्हें बैठाओ, मैं आता हूँ। एक्सक्यूज मी, मुझे जाना होगा। तुम्हें पता है वो जगह कहाँ है? हाँ, यहाँ से बहुत दूर है और बहुत ही सुनसान जगह है हर्ष, कोई आता जाता नहीं है वहाँ। तो फिर मौली माँ किससे मिलने गई होगी? यार अब तो ये वहाँ पे जाके ही पता चलेगा, उसकी माँ को भी नहीं पता। इसको क्या हो गया? ये अचानक बंद क्यों हो गई? मुझे लगता है कि मौली विशाल से मिलने गई होगी। हाँ, उसके घर पर ताला लगा हुआ था, हो सकता है कि दोनों साथ में ही। इससे पहले कि वो दोनों शिकार बन जाए उस आत्मा की, हमें उन तक पहुंचना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। चलो। मैं आ रहा हूं, तुम वहीं मेरा इंतजार करो, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। ओके। ये गाड़ी को क्या हो गया? मोहित का कुछ पता नहीं चल रहा है और घर पे भी कोई फोन नहीं उठा रहा है। धनी, ये सब मुश्किलें एक साथ क्यों आ जाती हैं? आईना, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब चलो। उसने किसने? तुमने देखा था ना उस आत्मा को? हाँ, मैंने देखा था, पर ना तो उसने मुझे मारा और ना तो टैक्सी ड्राइवर को।
क्या तुम इसकी वजह जानती हो? क्योंकि शायद मैं ही वो लड़की थी जो उसे बचाना चाहती थी। मतलब तुम जानती हो कि वो किसकी आत्मा है? उस रात हम सब दोस्त पार्टी मनाकर लौट रहे थे। ये क्या किया तुमने? मार डाला? तुमने उन लोगों को मार डाला? बचाओ! नहीं, वो अभी जिंदा है, वो मरे नहीं अभी तक। चलो ना उन्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं। तू पागल हो गई हो क्या? उन दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाने के चक्कर में हम लोग जेल पहुंच जाएंगे। तो क्या उन्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ दे? तू पागल हो गई हो क्या? उनकी मदद तो कोई और भी कर देगा विक्की। हम निकलते हैं यहाँ से। हाँ, रोमिल ठीक कहता है, अगर मदद करेंगे तो फंस जाएंगे। मत जाओ। लेकिन मैं उन्हें इस तरह छोड़ने के लिए बिल्कुल राजी नहीं थी। मैंने विक्की से बहुत झगड़ा किया और उसे वहां वापस भेजा उनकी मदद करने के लिए। हेलो मॉली, मॉली मैं यहाँ पर वापस आ गया हूँ। देखो तुम किसी से कुछ कहना मत, मैं इन दोनों को हॉस्पिटल ले जाऊंगा, ठीक है? ये दोनों तो मर चुके हैं। मुझे यकीन है कि मोहित अपनी मौत का बदला हम सब से ले रहा है। मतलब कि वो मोहित की आत्मा है जो तुम्हारे दोस्तों को मार रही है। हाँ, और अब शायद रोमिल भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन रोमिल तो शहर के बाहर है ना, हमें उसे सचेत कर देना चाहिए। तुम जानते हो कि विक्की ने उन लाशों को कहाँ पर गाड़ा है? हाँ, मैं जानती हूँ, विक्की ने ही मुझे फोन करके बताया था। तो ठीक है, तुम हमें वहां पर लेकर चलो। बॉडी यहीं कहीं होनी चाहिए, ढूंढते हैं। वो उस तरफ वहां पर। औरत की लाश कहाँ है? औरत की लाश? चलो ढूंढते हैं। एक मिनट, मैं अमनी को फोन करता हूँ। हेलो। हाय आश। ये अमनी आयना कहाँ है? वो मेरे साथ ही। क्या हुआ हर्ष, तुम इतने घबराए हुए क्यों? हमें इन मौतों के राज के बारे में कुछ पता चला है। अच्छा, कौन मार रहा है इन सबको? क्या? ओह गॉड, हर्ष! वो औरत, ये? आईना बेटा, आ गई? कोई तुझसे मिलने आया है? मुझसे? मेरा नाम रोमिल है, आपके पति मोहित। तुम जानते हो मोहित कहाँ है? तुम्हें पता है मोहित के बारे में? हाँ, माफ कीजिए, मोहित की मौत हो चुकी है।
क्या बकवास कर रहे हो तुम? हमारी गाड़ी से मोहित का एक्सीडेंट हुआ और वो वहीं मौके पर ही मर गया। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो तुम। दादी, ये झूठ बोल रहा है ये। नहीं आयना, ये सच कह रहा है। मोहित मर चुका है और तुम भी। वो औरत, ये ऐसा नहीं हो सकता। कोई ना कोई जरूर हमारा पीछा कर रहा है। देखो, यहाँ कोई भी नहीं है। कोई जरूर है। और मेरे पास बताओ, दूर आओ मुझसे। मुझे तुम चाहिए। ये कहीं आसपास है। सामने आओ, तुम जो भी हो सामने आओ। मोहित, मुझे माफ कर दो। मोहित, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। हमने जानबूझकर तुम्हें नहीं मारा। मोहित, मैं तो कार भी नहीं चला रहा था। मोहित, मुझे छोड़ दो। मोहित, मुझे मत मारो। मर चुके हो, लेकिन कब और कैसे? उस दिन जब तुम दोनों मुंबई आए थे। हम दोनों? मैं तो आपके साथ आई थी दादी। नहीं बेटा, तुम हमें सिर्फ एयरपोर्ट लेने के लिए आई थी। मुंबई तो तुम 2 दिन पहले ही पहुंच चुकी थी, 15 तारीख को। ये क्या कह रही हैं आप? मतलब मैं 15 तारीख को आई और आप लोग 17 को? हाँ बेटा, 15 को मोहित तुम्हें एयरपोर्ट लेने के लिए आया था। घर जाते वक्त रास्ते में तुम्हारी टैक्सी खराब हो गई थी, तो तुम दोनों पैदल ही निकल पड़े घर के लिए। और रास्ते में आते हुए तभी एक कार ने अचानक तुम दोनों को कुचल दिया। क्या मजाक कर रहे हैं आप सब? मैं जिंदा हूँ, जिंदा आप सबके सामने खड़ी हूँ। नहीं बेटा, ये मजाक नहीं है। दरअसल तेरी आत्मा मृत्यु के बाद भी बहुत कुछ स्वीकार नहीं कर पाई। तेरे मन में यही चिंता रही कि हम दोनों का क्या होगा, और यही कारण है बेटी के मोहित को छोड़कर तेरी आत्मा यहाँ के जाएगी। मोहित की आत्मा ये सच्चाई बताने के लिए तुम्हारे पास आई थी। आ, आ, आ,
और जब मोहित तुम्हें कुछ कह नहीं पाया तो उसकी आत्मा हमारे पास आई। जब हमें पता चला कि ये तो हमारा ही बेटा मोहित है और उसने हमें एक्सीडेंट की पूरी सच्चाई बताई, और वो सच्चाई यही है, बेटा तुम मर चुकी हो, तुम मर चुकी हो बेटा। तुम्हें यहां से जाना ही होगा, ये दुनिया तुम्हारी नहीं है। चली जा बेटा, चली जा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.